अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला भिंडी की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं और ढाबे में भिंडी ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही तैयार होने वाली है ये। वही तीखा और चटपटा टेस्ट आपको इस भिंडी में मिलेगा, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसको इस तरीके से मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आप ज़्यादा उसे बारीक पीसेस में कट ना करें, इस तरीके से मीडियम पीसेस में कट करें। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हमारी भिंडी जो हमने कट करके रखी थी, जिसे अब हम इस तरीके से सॉटे कर लेंगे ताकि भिंडी हमारी फ्राई हो जाए इसी ऑयल में। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी भिंडी को आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए हमारी भिंडी फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसे भी अच्छी तरीके से मिला दूंगी मैं पूरी भिंडी में। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं अपनी भिंडी को डिश आउट कर लूंगी अलग प्लेट में। इस वे में हम भिंडी को सेपरेटली फ्राई इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी भिंडी में चिकनाहट होती है, लेस होती है, वो खत्म हो जाए। और अब मैं पैन में 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लूंगी और इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर लूंगी। साथ ही मैं इसमें 1 पिंच के करीब हींग ले लूंगी, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। हींग हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो भिंडी की वजह से बादी होती है, एसिडिटी होती है और गैस बनती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, वो इससे नहीं होगी, इसलिए हम हींग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी 3 मीडियम साइज अनियन ली थी मैंने, जिनको फाइनली चॉप्ड कर लिया था इस तरीके से, वो भी इसमें ऐड कर लूंगी और इसे तब तक के सॉटे कर लूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। गोल्डन ब्राउन कलर ट्रांसपेरेंट होने लग जाए ये प्याज, तब तक इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी इस तरीके से। आप भी इसे इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है हमारी प्याज। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का तरीका भी मैं अपने प्रीवियसली वीडियोज में डाल चुकी हूँ, आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं इजीली घर पे जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बनाया जाए। इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने 5 ग्रीन चिलीज इस तरीके से कट कर ली थी, मीडियम साइज ग्रीन चिलीज को ये ऐड करके ये भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, वो भी इस तरीके से कट कर लिए थे इन्हें रफली चॉप करके। अब इसे मैं फ्राई कर लूंगी सबको साथ में। ये देखिए हमारे सब वेजिटेबल्स फ्राई होने लगे हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर अच्छे कलर के लिए। इसके साथ में ही मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी इसमें और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दूंगी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, आप चाहें तो सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को अच्छे से इस तरीके से मैं अच्छे से भून लूंगी। आप इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है भिंडी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। बना के देखिए, आप खुद कहेंगे बहुत बढ़िया है ये। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इसे भी अच्छे से भुनने के लिए रखा है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून अमूल क्रीम। क्रीम ऐड कीजिए, क्रीम से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही बढ़िया बनती है हमारी भिंडी। और अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी 2 टेबलस्पून दही और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी मैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊं। इसी तरीके से आप भी सॉटे कीजिए अपने मसाले को। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे मसाले में से ऑयल सेपरेट हो गया है और अब यही टाइम है हम हमारी जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी सारी भिंडी अच्छी तरीके से मसाले में कवर हो जाए।
मसाले में अच्छे तरीके से कवर कर लेने के बाद भिंडी को अब हम लिड से इसे कवर कर देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम में हम इसे 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे ताकि हमारी भिंडी का कच्चापन खत्म हो जाए और हमारी भिंडी गल जाए। ये देखिए हमारी भिंडी कितनी बढ़िया तरीके से बन गई है, ढाबा स्टाइल भिंडी हमारी रेडी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे भिंडी हमारी गली है या नहीं। इस तरीके से मैंने इसे कट करके चेक कर लिया है। ये देखिए भिंडी हमारी गल चुकी है। हम भिंडी को वापस से 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे क्योंकि हम भिंडी को थोड़ा और गलाकर खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो रेडी है हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी। अब इसे हम सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप भी इस मसाला भिंडी को जरूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगने वाली है ये, बिल्कुल वही तीखापन वही चटपटापन। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसी बनी है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।